आप लोग काफी टाइम से हमसे मांग रहे थे एंड आज हम आपके लिए लाए हैं होंडा एलिवेट SUV का अनवील। यहाँ पे बहुत भीड़ है अगर आप मेरा अराउंड देखते हो एंड दिस इज दैट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जिसके लिए काफी लोग एक्साइटेड थे। अब होंडा एलिवेट के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि करके सारे फैक्ट। ये जो नई SUV आई है देख लीजिए, इसको जरा फ्रंट देख लीजिए, आई विल गेट इनटू ऑल डिटेल्स अबाउट इट। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो तो इसका एक बड़ा सा फ्रंट ग्रिल मिल जाता है, ये टॉप पार्ट जो है क्लोज है और यहाँ पे आपके पास एयरवेंट्स दिए गए एंड अंडरनीथ भी आपके पास एयरवेंट्स है। ओवरऑल जो लोअर एलिमेंट है वहां पे आपको एक सिल्वर फिनिश का टच दे दिया गया है इसके ऊपर। ऑलराइट, इफ यू लुक एट द हेडलैम्प्स, ओके, आप नोटिस करोगे कि इसको डे टाइम रनिंग LEDs है, ये एक्चुअली काम भी करती है इवन एज इंडिकेटर और आपको LED हेडलैम्प्स यहाँ मिल जाते हैं। साथ में आपके फॉग लैम्प्स भी अगर आप देखोगे तो ये LEDs यहाँ दे दिए गए हैं। अब होंडा में एक टिपिकल डिजाइन कैरेक्टर आता है वो ये कि इसका जो फ्रंट पे क्रोम है वो काफी ज्यादा रहता है एंड दैट सेम थिंग इज कंटिन्यूड इवन ओवर हियर एज वेल। सो अब ये गाड़ी जो है हम यहाँ जो देख रहे हैं तीन कलर्स में देख रहे हैं, एक ये ऑरेंजिश कलर है, एक ब्लू है और एक व्हाइट है। तो फिलहाल यहाँ पे तीन कलर्स दिखाए गए और इसको एक ड्यूल टोन ऑप्शन भी मिल जाता है, एटलीस्ट जो यहाँ दिखाई गई है गाड़ियाँ। ऑलराइट, जैसे ही हम साइड की तरफ बढ़ेंगे पहले हम डिटेल्स में जाते हैं, देन वी गो टूवर्ड्स द एंटायर साइड ऑफ द कार। यहाँ पे आपको 17-inch व्हील्स आते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ ये दिया गया है एंड ओवरऑल जो इसका स्टाइलिंग है ये कहीं ना कहीं आपको होंडा सिटी के अलॉय व्हील्स की याद दिलाने वाला है। वहीं पे अगर आप इसका मिरर देखते हैं तो आपके पास यहाँ मिरर पे कैमरा है जो होंडा का एक टिपिकल ट्रेडमार्क बन गया है एंड दैट इज व्हाट वी बीन नोटिसिंग ऑन मोस्ट ऑफ द अदर होंडा कार्स। सो अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर देते हो तो आपको एक लेफ्ट साइड पे पूरे कैमरा से विजिबिलिटी दिख जाती है। ऑलराइट, जब आप इस गाड़ी का पूरा साइड प्रोफाइल देखते हैं यहाँ पे यू विल नोटिस कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक आई एम 6 feet और मेरे से थोड़ा लोअर है। यहाँ पे आपके पास रूफ रेल्स आ जाते हैं बट अगेन दे आर सिल्वर इन कलर एंड साथ ही में आपके पास सनरूफ दी गई है यहाँ पे, इट्स नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ बट सनरूफ है इसको। आपके पास ड्यूल टोन रूफ दिया गया लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर एंड आपके जो डोर हैंडल्स है दे ऑल्सो हैव क्रोम एलिमेंट्स ऑन इट एंड आपके पास पैसिव एंट्री दोनों साइड पे मिल जाती है। अब एक चीज और आपको बता दूं कि एक चीज थोड़ा बेटर हो सकता था विच इज द फैक्ट कि आप नोटिस करोगे कि आपके पास चाबी का इंसर्ट इस साइड नहीं ड्राइवर साइड पे दिया गया, मेरे हिसाब से दैट इज समथिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। ओके, एक बार पूरा वाइड से अगर गाड़ी देख लोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। आपके पास बहुत ज्यादा कट्स एंड क्रीजेस इस गाड़ी में नहीं दिए गए, काफी हद तक सिंपल एलिमेंट्स ही यहाँ पे है। अब ये एलिमेंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक काफी थिक पार्ट दिया हुआ है, द सी पिलर्स क्वाइट थिक ओवरऑल एंड ये अगर आपको याद है तो हमने होंडा WRV का एक क्लोज्ड वर्जन शूट किया था एट इंडोनेशियन मोटर शो, तो तभी हमने सिमिलर डिजाइन एलिमेंट वहां पे भी देखा था। ऑलराइट, जब भी हम रियर देखते हैं गाड़ी का यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो होंडा की स्टाइलिंग आ गई है फॉर इट्स न्यू SUV लैंग्वेज हमने इंडोनेशिया में भी देखा था। फिर टेल लैम्प्स जो है सॉर्ट ऑफ यू नो वो थिन प्रोफाइल है, अभी हमने होंडा सिटी में भी इस टाइप की लाइट्स देखे जो आपके बाकी के दोनों रिवर्स एंड इंडिकेटर है दे आर बल्ब बट बाकी का जो सेटअप है ब्रेक्स वो आपको यहाँ मिल जाता है एज LEDs। स्पॉइलर यहाँ पे आपको नहीं दिया गया, इट फील्स लाइक यू हैव अ स्पॉइलर एट द बैक बट एक्चुअल में आपके पास यहाँ जो स्पॉइलर का लुक दिया गया इट्स नॉट एक्चुअली अ स्पॉइलर, आपके पास शार्क फिन एंटेना इज अवेलेबल हियर एंड व्हेन वी लुक एट द बैक ऑफ कोर्स यू हैव द टिपिकल वो एक नया डिजाइन एलिमेंट दिया गया जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट एक्चुअली कनेक्टेड है, बट ये लाइट नहीं, ये इसका एक रिफ्लेक्टर ही है विच इज जस्ट हियर बट यू नो इट गिव्स यू दैट फुल कनेक्टेड टेल लैम्प का लुक यहाँ पे। अब दूसरे एलिमेंट्स अगर आप देखते हो तो आपके पास आई मीन इट्स जस्ट द सेम पैटर्न कंटिन्यूड के नीचे आपका जो पार्ट ये दिया गया है दैट्स नो पेंट यहाँ पे और यहाँ पे आपको जो सिल्वर आपने फ्रंट में नोटिस किया था दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूड सेम ओवर हियर एज वेल। चलो लेट्स स्टेप इनटू द कार। ऑलराइट, अभी हम आगे गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा नया डैशबोर्ड आ जाता है यहाँ पे, आप नोटिस करोगे कि ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक जो है हार्ड प्लास्टिक वुडन फिनिश दिया हुआ है, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिलते हैं, टैन फिनिश के साथ आता है यहाँ पे। यू ऑल्सो गेट अ 10-inch टच स्क्रीन सिस्टम, अगर मैं
सिर्फ इसके डिस्प्ले को ऑफ करो तो यू विल नोटिस कि यहाँ पे आपको एक ब्राइट सा टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है, और जो मैं आपको कैमरा बोल रहा था वो कुछ ऐसे दिखती है। ऑलराइट, सो अगर आप इसका होम स्क्रीन वगैरह देखते हो, द यूजेबिलिटी इज प्रीटी गुड। जो ब्राइटनेस जो मैंने कहा उसके साथ साथ इंटरफेस यूजेबिलिटी जो होंडा ने दी है इस बार इज बीन अ लॉट बेटर। मतलब पहले जो उनका स्क्रीन में स्ट्रगल था वो अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं हमें फील हो रहा है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द अदर एलिमेंट्स वन बाय वन। आपके पास यहाँ टच स्क्रीन सिस्टम के बाद आ जाता है एक स्टीयरिंग व्हील लाइक हाइट, रीच दोनों एडजस्टमेंट। आपके पास कंट्रोल्स है यहाँ पे फॉर ऑडियो, राइट साइड पे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं फॉर योर क्रूज एंड एवरीथिंग एल्स, ADAS के फंक्शंस। यहाँ पे आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो सेमी डिजिटल है, ये साइड आपके पास है यू नो रेगुलर चीज़ें, और यहाँ से आप अपनी बाकी के एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी स्टार्ट भी करके दिखा दूंगा आपको, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मेरे बाकी के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो आई कैन कीप ऑन चेंजिंग एंड एडिंग दीज एलिमेंट्स इन टू द कार। ऑलराइट, दूसरी चीज़ें, लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग्स। आपके पास यहाँ पे सनरूफ आ जाता है, लाइक आई टोल्ड यू इट्स नॉट द बिगेस्ट सनरूफ इन द कैटेगरी, डिसेंट इनफ साइज का सनरूफ है इस गाड़ी का। एंड वॉट एल्स यू गेट इज होंडा क्लेम करता है इसको प्रीमियम क्वालिटी के स्पीकर्स मिलते हैं, हावेवर हम इसे आज एक्सपीरियंस आपके लिए नहीं कर पाएंगे। ओके, यू ऑल्सो गेट अ वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पे जो आपको दिया गया है, दो USB चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं इस गाड़ी को, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। दो आगे की तरफ आप देखेंगे तो कप होल्डर्स अवेलेबल है। ये जो गियर लिवर है ये हमने होंडा सिटी में काफ़ी बार देखे, तो दिस इज वॉट इट ऑल्सो गेट्स। आपका जो मिरर है इज ऑटो डे एंड नाइट, एंड साथ ही में अगर हम इसके ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ये काफी बड़ा नहीं है, इट्स डिसेंट इनफ इन इट्स ओवरऑल साइज। अगर आप इसके फ्रंट सीट्स देखते तो ये काफी कंफर्टेबल है, तो होंडा सिटी की जो कंफर्टेबल सीट्स है वही तरीके के सॉफ्ट सीट्स आपके पास यहाँ दिए गए। हेडरेस्ट भी काफी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल फील होता है, एंड जो टैन इंटीरियर मैं आपको कह रहा था वो आपको यहाँ पे पूरी गाड़ी में दिया गया है। तो फ्रंट एंड बैक सीट्स आपको सब जगह पे ये टैन एलिमेंट्स दिए गए। ऑलराइट, मोर थिंग्स इन द कार, आपको यहाँ मिल जाता है डिसेंट इनफ स्टोरेज आपके आर्मरेस्ट में, इट्स नॉट रियली बिग, मतलब इतनी जगह कुछ होगी। साथ ही में ये आगे पीछे एडजस्ट नहीं हो सकता है। ये जो सेंटर पार्ट है ना गाड़ी का, दिस इज जस्ट सिमिलर टू द होंडा सिटी, तो यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द रियर सीट, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स, ABS+EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, तो ये सारे फीचर्स आपके लिए एक बार यहाँ रन थ्रू करूंगा। एंड वैसे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गाड़ी की बुकिंग जो है जुलाई से शुरू होने वाली है। नाउ लेट्स गो ऑन टू द बैक सीट। ऑलराइट, सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द इंटीरियर। यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा नी रूम दिया गया, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इनफैक्ट अच्छा खासा नी रूम है यहाँ पे। इवन इफ यू चेक आउट द हेडरूम, हेडरूम की भी यहाँ पे बिल्कुल कमी नहीं है, 3 लोगों के बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। द कार इज एक्चुअली क्वाइट वाइड, एंड आपके पास पीछे एक आर्मरेस्ट है, आपके पास दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ मिल जाते हैं, सो 1, 2। एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू पॉइंट आउट इज द फैक्ट कि ये सीट का जो रिक्लाइन है वो काफ़ी बढ़िया है, जिस वजह से अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो आप काफ़ी कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पे आपके पास इस गाड़ी में यू नो एट द बैक यू हैव दिस टू होल्ड, आपके पास पीछे AC वेंट्स अवेलेबल कराए गए हैं। देन वॉट यू ऑल्सो गेट इज अ 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट। आई विश यहाँ पे ये लोग ने 5 वोल्ट यू नो एक USB सॉकेट दे दिया होता था, बट समवेयर दे थिंक they could have done a better job. अगर आप इस गाड़ी की बूट स्पेस देखते हो, this is the biggest in the entire category. ये 458 liters की बूट स्पेस है, तो अगर आप बाकी दूसरी SUV से कंपेयर करते हो जैसे क्रेटा, सेल्टॉस, इसमें आपको लगभग 430 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। यहाँ पे अगर स्पेयर व्हील अगर आप देखोगे ना, तो यू गेट अ प्रॉपर 16-inch स्पेयर व्हील, तो ये एक साइज छोटा है, तो जो लो वेरियंट है उनके लिए प्रॉपर साइज है। हाउएवर फॉर द रेस्ट ये जो है एक साइज छोटा दिया गया, और जो स्पेयर व्हील है उस पर आपको अलॉय नहीं आता। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको होंडा एलिवेट के बारे में बताया। अभी तक इसमें इंजन्स क्या आएंगे, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा, 6-speed मैनुअल एंड CVT के साथ। अब अगर आप इसकी प्राइसिंग जानना चाहते हैं, देखिए ये समवे क्रेटा से डायरेक्टली राइवल करेगी, सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग आप 12 से 17-18 लाख ऑन रोड एक्सपेक्ट कर सकते हो इस SUV की प्राइसिंग, और ये लॉन्च की जाएगी समवेयर अराउंड दिवाली। जी हाँ, सो
अगस्त सितंबर इज व्हेन वी कैन एक्सपेक्टेड, ताकि दिवाली पे आपको डिलीवरीज मिल सके गाड़ी की। तो क्या आप एक्साइटेड है विद द होंडा एलिवेट, या आप कोई दूसरी एसयूवी प्रेफर कर रहे हैं इस कैटेगरी में, लेट मी नो इन कमेंट्स। और हम कोशिश करेंगे आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने की ऑन सच प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन द कमिंग डेज काफी नए लॉन्चेस होने वाले। तो क्या आप एक्साइटेड है? अब अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आई नो हम आपके लिए बहुत सारा कॉन्टेंट रोजाना ला रहे हैं, महा कंपेरोज ला रहे हैं, बट आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या लूं इतने ऑप्शंस मार्केट में, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, आपको सिर्फ जाना है motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल फिलअप करने एंड बुक योर कॉल टाइमिंग विद एन एक्सपर्ट। और उससे और आसान पता क्या है, Motoroctane को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। इनफैक्ट एलिवेट का भी वीडियो लाएंगे, सेल्टॉस फेसलिफ्ट आने वाली है, Hyundai की एक्स्टर आने वाली है, बहुत सारी नई गाड़ियां मार्केट में आने वाली है। सो स्टे सब्सक्राइब टू Motoroctane। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।